हेलो बच्चों वेलकम बैक टू आर द डे आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है के में छुपे हुए थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी है जो हम अदरवाइज प्रूव करते हैं थ्योरम को यूज करके वो हम सीधे पैसकल स्टैंगल को देख कर बता सकते हैं सो बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है और इसके अलावा हमारे वेबसाइट डब्ल्यू पर जितने भी मटेरियल फ्री में अवेलेबल हैं आप उसका फायदा उठा रहे हो सो so लेट्स uh, इसका नाम है द हॉकी स्टिक पैटर्न और जो आइडेंटिटी निकलेगी उसका नाम हम देंगे द हॉकी स्टिक आइडेंटिटी आपके सामने मैंने पैस्कल स्टैंगल बना रखा है आपको दिख रहा होगा राइट right? अब uh, बहुत सारे पैटर्न तो किताबों में दिए रहते हैं एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि सपोज वी स्टार्ट समवेयर यहाँ पर है ना लेट्स स्टार्ट स्टार्टर और हम कुछ नंबर्स को यहाँ तक लेते हैं और इनका जो सम है ना बच्चों मान लेते हैं यहाँ तीन नंबर्स लिए इनका सम यहाँ नीचे हमेशा बैठा रहता है सो वन प्लस टू प्लस थ्री ये जो है सिक्स के इक्वल होता है और हमने देखा कि वन प्लस टू प्लस थ्री यहाँ पे सिक्स एक्चुअली सिक्स वहीं पे नीचे है उसी तरह अगर हम वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर लें तो टेन जो सम आना चाहिए वो यहाँ नीचे रहता है राइट हम uh, हो सकता है हम इधर से तिरछा लेना चाहे वन प्लस फोर प्लस टेन लें कितना होता है बच्चों फाइव प्लस टेन फिफ्टीन ओ इट्स राइट हेयर तो ये जो ऐसा सा एक शेप बनता है ना बच्चों इसके लिए इसका इस पैटर्न का ना नाम ही हॉकी स्टिक पैटर्न पड़ गया और एक और एक एग्जाम्पल लेकर देखें और यहां पर लेते हैं वन प्लस फाइव प्लस फिफ्टीन कितना होना चाहिए ट्वेंटी वन इट्स right राइट हेयर right? राइट और दूसरा कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं वन प्लस अच्छा इस इतने दूर में तो ज्यादा एग्जाम्पल्स हो नहीं पाएंगे यहां तक लेते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ये इज इट इक्वल टू ट्वेंटी वन इज आप करके देख सकते हो सो द हॉकी स्टिक पैटर्न इज बेसिकली दिस कि आप अगर इधर से एक हॉकी स्टिक बनाओगे है ना सॉरी ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंडस चला गया अगर आप हॉकी स्टिक बनाओगे तो जो स्टिक पे हमारा जो नंबर्स आएगा उसका सम हमारे एक्सटेंशन ऑफ द स्टिक पे रहेगा uh, चाहे वो इस डायरेक्शन में बनाओ या आप इस डायरेक्शन में बनाओ राइट right? सो so, देखते हैं इसको थोड़ा खोल करके ये व्हाट डज दिस मीन अगर पैसिकल्स ट्रायंगल को मैं ऐसे लिख दें इसको एक्चुअली के टर्म में लिख दें कि जीरो चू जीरो जो रो होता है वो एक्सप्ल वाई टू दो पार जीरो के एक्सपैशन uh, का होता है विच इज सिंपली वन जीरो चू जीरो दूसरा रो जो है हो, जो होता है वो हमारा प्लस वाई टू दो पार वन के एक्सपैंशन से आता है सो वन चू जीरो वन चूज वन टू चू जीरो बच्चों ध्यान दो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को रिप्लेस किया जा सकता है विथ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल बेसिकली यही तो, है, है ना? तो का यूज करके हमने उनको को इस में लिख दिया तो हम क्या देखते ना बच्चों कि अगर लेट्स से ऑन दिस पर्टिकुलर हॉकी स्टिक फॉर एग्जाम्पल यहां से लिख यहां तक वाले है ना तो हम क्या देखते हैं कि दिस इज नथिंग बट वी गेट टू चूज जीरो प्लस थ्री चूज वन प्लस फोर चूज टू इज इक्वल टू फाइव चूज टू है ना क्या हुआ टू चूज जीरो से हमने शुरू किया कहीं से तो शुरू करेंगे वो एन चूज जीरो ही होगा चूंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा पूरा ही डायग्नल uh, आ रहा है दिस इज मेड अप ऑफ जीरो चूज जीरो वन चूज जीरो टू चूज जीरो थ्री चूज जीरो एंड सो ऑन तो शुरू तो हम करेंगे कहीं से टू चूज जीरो से किया फिर आगे बढ़े तो हमारा ये भी बढ़ गया हमारा एन चूज आर में एन भी बढ़ गया और आर भी बढ़ गया सो थ्री चूज वन अगला टर्म हो जाएगा चूज चूज और और मान लेते हैं अभी फॉर नाउ हम पर पर रुक गए तो तो उसके ठीक नीचे वहां पर ये तो मैच करता है बस फोर जो है ना वो बढ़ के फाइव हो गया रो नंबर बढ़ के फाइव हो गया तो so, अगर ये पैटर्न ट्रू है आगे भी तो आई कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टार्टेड बाई फोर चूज जीरो फोर चूज जीरो फिर हम एक एक बढ़ाते फाइव चूज वन फिर हम एक एक बढ़ाते सिक्स चूज टू फिर हम एक एक बढ़ाते सेवन चूज थ्री मान लेते हैं हम यहां पर रुक जाना चाहते हैं चलो एक एक और बढ़ा देते देतेट चूज फोर और यहां पर हम रुक जाना चाहते हैं तो क्या होगा ये फोर अगले वाले पे कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा चूज फोर ही रहेगा और ये बढ़ के हमारा हो जाएगा नाइन है ना तो इससे क्या हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं बच्चों तो एक आइडेंटिटी मैंने सामने लिख रखी है कि एन चूज जीरो शुरू तो करेंगे चूज जीरो से ही एन चूज जीरो प्लस एन प्लस वन चूज वन है ना एन भी एक बढ़ गया और यहां आर भी एक बढ़ गया प्लस एन प्लस एन प्लस टू चूज टू प्लस एन प्लस थ्री चूज थ्री अप टिल हम गए एन प्लस के चूज के तक तो इतने पूरे दूर का जो सम होगा बच्चों वो होगा क्या ये के तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा हमारे सम में बट ये एन बढ़कर हो जाएगा एन प्लस है ना अब ये आइडेंटिटी आपने देखी होगी जेई के पी में भी आपने देखी होगी और अलग अलग किताबों के एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना एंड में उसमें भी दिया रहता है कि इसको प्रूव करो तो उसमें लोग काफ़ी जी पी लगा के बहुत मेहनत करके इसे प्रूव करते हैं जो कि अब हम पार्सकल स्ट्रांगल से डायरेक्टली देख सकते हैं कि ऐसा होगा और उतना ही नहीं एक और आइडेंटिटी इससे आती है अ, अगर इस एन चूज जीरो को हम एन चूज एन में बदल दें है ना याद होगा आपको एन चूज़ आर इज एन चूज एन माइनस आर उस फॉर्मूला का यूज करके उसी तरह एन प्लस वन चूज वन इज एन प्लस वन चूज एन है ना उसी तरह एन प्लस टू चूज टू विल बी एन प्लस टू चूज एन ये सारे इक्वल होते हैं प्लस एन प्लस एन अपन प्लस के चूज एन दिस विल बिकम इक्वल टू एन प्लस के प्लस वन चूज एन प्लस वन इस बार क्या हुआ uh, हमारा ये एन ही इन इनफैक्ट फ्रीज था यहाँ 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 और यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया और बाकी ये जो है ये कंटिन्यूसली बढ़े ही जा रहे हैं एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस के एन प्लस के प्लस वन तो बच्चों अब अब जाहिर सी बात है ना कि अब जब हमें दिखता है कि ऐसा हो रहा है तो भाई ये भी पैसकल स्ट्रैंगल में डाल के देखेंगे इससे कौन सा पैटर्न बनता है क्या ये भी हॉकी स्टिक पैटर्न का ही पार्ट है या कोई दूसरा पैटर्न यहाँ से निकल कर आता है तो इसका एक आध तो दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं छोटे नंबर्स पे और फिर हम वापस से पैसकल स्ट्रांगल पे जाएंगे और इस पैटर्न को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड विल सी कि क्या होता है सो लेट्स स्टार्ट विद एन इक्वल टू थ्री तो आई गेट थ्री चूज थ्री प्लस फोर चूज थ्री प्लस फाइव चूज थ्री शुड बी इक्वल टू सिक्स चूज फोर है ना देखें आ, अच्छा रो तक तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ टू इन फैक्ट टू चूज टू से शुरू करते हैं टू चूज टू प्लस थ्री चूज टू प्लस फोर चूज टू इज इक्वल टू फाइव चूज थ्री है ना टू चूज टू प्लस थ्री चूज टू प्लस फोर चूज टू शुड बी इक्वल टू फाइव चूज थ्री टू चूज टू प्लस थ्री चूज टू प्लस फोर चूज टू दिस इज इक्वल टू वॉट फाइव चूज थ्री ये भी एक्चुअली हॉकी पैटर्न ही है, स्टिक है तो हम यहां से भी डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लिख सकते थे आ, या फिर हम इससे भी मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्मूला को लिख सकते एक ही बात है दोनों ही हॉकी स्टिक पैटर्न के पार्ट है और अब शायद आपको यह फॉर्मूला याद रह जाएगा अब आप शायद इसे नहीं भूलेंगे क्यों क्योंकि हमने इसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके देख लिया है हमने एक्चुअली विजुअली देखा है कि जो में है, वहाँ पे नंबर्स कैसे सजे हुए हैं और अगर आपको पसंद आया आप हमें करके बताओ ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें आपके आपके पढ़ाई से रिलेटेड जितनी चीजों से आपके लिए आसान करते रहें. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आगे जितने भी वीडियोज बने वो आप तक सही समय पर आते रहे थैंक यू